हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वह है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। ये टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी है और ये मिड साइज की कंपनी है और इसने अपना Q1 FY21 का रिजल्ट पेश कर दिया है। तो आज हम लोग इसके रिजल्ट पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनका रिजल्ट किस प्रकार का हुआ है। लेकिन दोस्तों, रिजल्ट को समझने से पहले हम लोग इसके फिनेंशियल ओवरव्यू को चेक कर लेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बड़े निवेशकों का इस स्टॉक में किस प्रकार का रुझान है। उसके बाद हम लोग इसके रिजल्ट को एनालाइज करेंगे और रिजल्ट किस प्रकार के रहे हैं उसके आधार पर हम लोग चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और वहां समझने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में इनका प्राइस ट्रेंड किस प्रकार का रह सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसके फाइनेंशियल ओवरव्यू को चेक करते हैं। और जैसा कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि टाटा एलेक्सी का मार्केट कैप लगभग 5,743 करोड़ है और अगर इनके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये लगभग 26% है, जो कि काफी बेहतरीन है। अगर दोस्तों इनके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये 35% है, ये भी काफी बेहतरीन है। दोस्तों, अगर इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो ये 67.82 टाइम्स है, जो कि काफी बेहतरीन है। दोस्तों, और अगर इनके डेब्ट इक्विटी को देखा जाए तो ये 0.05 है, यानी कि ये कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। और दोस्तों, अगर हम लोग इसके करंट भाव को देखें तो ये 921 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका 52 वीक हाई 1,098 रुपया है। और इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये स्टॉक जो है अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे दिख रहे हैं और इनके फाइनेंशियल ओवरव्यू में ये कंपनी जो है पास कर जा रही है, ये काफी अच्छी कंपनी दिख रही है। अब चलिए दोस्तों, बड़े निवेशकों का रुझान भी देख लेते हैं कि बड़े निवेशकों का इस कंपनी में किस प्रकार का रुझान है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 44.5% बनी हुई है और लगातार प्रमोटर्स अपने स्टैक को मेंटेन किए हुए हैं। अगर हम लोग दोस्तों डीआईज होल्डिंग की बात करें तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि डीआईज की होल्डिंग पहले तो इसमें बढ़ी थी, उसके बाद जो है इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली है। अब दिसंबर क्वार्टर तक इसमें गिरावट देखने को मिली है डीआईज की होल्डिंग में, उसके बाद मार्च 2020 क्वार्टर से हम लोगों को इसके स्टैक में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि पहले तो डीआईज ने इसमें माल बेचा, अब इसमें लगातार अपने समय के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। अगर सेम चीज दोस्तों अगर एफआईज होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर भी हम लोगों को सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। इन्होंने समय के साथ अपने स्टैक को घटाया था, अब दिसंबर क्वार्टर से इन्होंने अपना स्टैक को टाटा एलेक्सी में बढ़ाना शुरू किया। तो हम लोग दोस्तों यहाँ एफआईज की भी जो इंटरेस्ट है इस स्टॉक में बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इस स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इस वजह से इसमें एफआईज और डीआईज भी अपनी होल्डिंग लगातार समय के साथ बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार अभी तक हम लोगों ने पाया कि टाटा एलेक्सी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इस वजह से इसमें एफआईज अपना स्टैक बढ़ा रहे हैं। अब चलिए दोस्तों, इसके रिजल्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि इनका रिजल्ट किस प्रकार का रहा है। दोस्तों, टाटा एलेक्सी का रिजल्ट स्क्रीन पर दिख रहा है और हम लोग इसको सबसे पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि इसके रिजल्ट किस प्रकार के रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जून क्वार्टर में टाटा एलेक्सी ने 413 करोड़ का कुल रिवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो कि सेम पीरियड में पिछले साल ये 373 करोड़ का रिवेन्यू रिपोर्ट की थी। तो हम लोगों को यहाँ पर दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनके रिवेन्यू में तकरीबन 11% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि काफी बेहतरीन है। अगर सेम पीरियड में दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून क्वार्टर में ये 68 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये 48 करोड़ हुआ करता था। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि इनके नेट प्रॉफिट में पिछले साल के बनिस्पत लगभग 41% का जंप देखने को मिल रहा है, जो कि काफी बेहतरीन है दोस्तों। और अगर दोस्तों अगर हम लोग
क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट का मिलान करें तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों पा रहे हैं कि मार्च क्वार्टर में टाटा एलेक्सी 452 करोड़ का रिवेन्यू रिपोर्ट की थी, जो कि जून क्वार्टर में घट करके 413 करोड़ का हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनके रिवेन्यू में लगभग 8% का डिग्रोथ देखने को मिल रहा है, और इस डिग्रोथ का कारण दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब हम लोग इसके नेट प्रॉफिट को भी मिलान कर लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो मार्च क्वार्टर में ये लगभग 82 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की थी, जो कि जून क्वार्टर में घट करके 68 करोड़ रह गया। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनके नेट प्रॉफिट में जो है लगभग 16% का डीग्रोथ देखने को मिल रहा है, और इसका कारण दोस्तों आप सभी को मालूम है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग यहाँ पा रहे हैं कि टाटा एलेक्सी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजल्ट काफी बेहतरीन रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 41% के इनके नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है। तो इस खराब माहौल में भी इतना अच्छा रिजल्ट पेश की है टाटा एलेक्सी, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। तो दोस्तों अब इस अच्छे रिजल्ट का इनके प्राइस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर टाटा एलेक्सी का चार्ट हम लोग देख रहे हैं, और इसके चार्ट को देख करके हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये टाटा एलेक्सी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है, और कुछ दिनों से ये साइडवेज मूवमेंट में चल रही है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि टाटा एलेक्सी एक खास प्राइस पैटर्न को फॉलो कर रही है, ये कभी लो बना रही है, कभी हाई बना रही है, 950 के आसपास वापस गिरती है, फिर से ये इसमें उछाल देखने को मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि अगर टाटा एलेक्सी का स्ट्रांग रेसिस्टेंस को देखा जाए तो ये लगभग 948 रुपए के आसपास इसको स्ट्रांग रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से इसने अच्छा रिजल्ट प्रस्तुत किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो दोस्तों आने वाले समय में हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये इस स्ट्रांग रेसिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर की स्तर को निकलने की अवश्य कोशिश करेगा। तो दोस्तों हम लोगों ने इस प्रकार पाया कि टाटा एलेक्सी एक मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी है, इसके क्वार्टरली रिजल्ट हल्के खराब हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसके रिजल्ट काफी दमदार रहे हैं। तो आने वाले समय में ये ऊपर के स्तरों पर अवश्य जाएगा, ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लें, और मैं आपके लिए समय समय पर अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर के आता रहता हूँ। और उम्मीद है कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।